Good morning, students. In this video, we are going to discuss the principles, construction and the calculation of capacitance for the parallel plate capacitor. जैसे कि इसे नाम से पता चलता है कि यहाँ पर हम दो मेटालिक प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं जिसका कि सेम ज्योमेट्रिकल शेप होगा और इक्वल एरिया होता है जिसको एक छोटी सी स्मॉल डिस्टेंस पर रख दिया जाता है एंड पैरेलल टू ईच अदर. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. इसमें हम दो कंडक्टिंग प्लेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. जैसे फर्स्ट जो प्लेट है उसको हम P1 से इंडिकेट कर रहे हैं और जो दूसरी प्लेट है उसको हम P2 से इंडिकेट कर रहे हैं. तो हमारे पास में जो है कि दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं जो का सेम शेप और इक्वल एरिया की है. जो ये प्लेट्स हैं वो सर्कुलर, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप की हो सकती है, लेकिन इनको कम्प्लीटली एक दूसरे से सेपरेट रखा जाता है. हमने ये माना है कि जो दोनों प्लेट्स हैं इसके जो एरिया है वो कैपिटल ए है. इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको हमने स्मॉल डी से इंडिकेट किया हुआ है और जो प्लेट ए है इसको हम प्लस क्यू चार्ज से चार्ज कर रहे हैं जिससे इसके ऊपर प्लस चार्ज जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा. लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारी दूसरी प्लेट है उसमें इंडक्शन की वजह से जो इनर सरफेस है इस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और जो आउटर सरफेस होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा. हम जानते हैं कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो इसके पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है वो इसके पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगा. जैसे कि जो कैपेसिटेंस होती है वो क्यू अपॉन वी पे डिपेंड करती है, क्यू अपॉन बी के बराबर होती है. अगर आप चार्ज को कॉन्स्टेंट रखोगे और पोटेंशियल डिफरेंस को अगर कम कर दोगे तो डेफिनेटली कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. तो हमें वही चीज़ यहाँ पर फॉलो करना है. हमें इस जो आउटर सरफेस होती है इसको हम ग्राउंड कर देते हैं जिसकी वजह से ये जो प्लस चार्ज है वो अर्थ में चला जाता है. अब हमारे पास में जो दोनों प्लेट्स है उसके ऊपर इक्वल एंड ओपोजिट चार्ज है जिसकी वजह से इन प्लेट्स के बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप हो जाता है एक्सेप्ट द रीज़न. जो एजेस पे जो रीज़न है वहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है. अब हम यहाँ पर जो है कैपेसिटेंस की कैलकुलेशंस करने वाले हैं कि इस पैरेलल प्लेट के जो है इसके अरेंजमेंट में किस तरह का हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है. अगर हमने इस जो फर्स्ट प्लेट P1 है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट किया है और जो P2 है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को माइनस सिग्मा से डिनोट किया है. तो और हम यहाँ पर जो है एक पॉइंट P कंसिडर कर रहे हैं. जो पॉइंट P है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दो तरीके से लगेगा, एक प्लेट P1 की वजह से और दूसरा प्लेट जो है वो P2 की वजह से. जो P1 प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है जिसको हमने E1 से इंडिकेट किया है, इसका डायरेक्शन जो है वो अवे फ्रॉम प्लेट है और इसकी वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. इसी तरीके से जो P2 प्लेट की वजह से इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है वो होगा टुवर्ड्स द प्लेट और इसकी वैल्यू भी होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो E1 और E2 का जो डायरेक्शन है सेम है, इससे जो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 प्लस E2 के बराबर होगा. यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट गिव्स यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं. हम जानते हैं कि जो सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, यानी कि ये होगा क्यू अपॉन ए के बराबर होगा. देयरफॉर ई जो है वो बराबर होगा क्यू अपॉन ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दिस विल गिव्स यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए. और अगर हम ये मानते हैं कि इन दोनों प्लेट्स में जो चार्ज का डिफरेंस है उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वी आ रहा है, तो वी की बाय द डेफिनेशन ऑफ वी विल इक्वल टू ई इंटू डी. ई की वैल्यू हो गई आपकी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी. अब हम क्योंकि हमारे पास वी आ चुका है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं कि कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं. जो हमारी कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस जो होती है वो हमारी बराबर होती है क्यू अपॉन वी. जो कैपेसिटेंस है वो क्यू अपॉन वी है. वी की वैल्यू हमारे पास आ गई है क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए और क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. दिस विल योर गिव्स यू द फाइनल आंसर. और इस रिलेशनशिप से हम देख सकते हैं जो कैपेसिटेंस होती है वो एरिया के प्रोपोर्शनल होती है, जो कैपेसिटेंस होती है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. अगर आप एरिया को इंक्रीज़ करोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी और एरिया डिस्टेंस को अगर डिक्रीज़ करोगे तो कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है. इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने ये देखा था कि जो कैपेसिटेंस होती है वो मीडियम पे भी डिपेंड करती है.
तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशंस करी थी उसके अंदर हमने दोनों प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है वो एयर लिया था, लेकिन हम अभी यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि जो दोनों प्लेट है उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमें ये चेक करना है कि जो कैपेसिटेंस है वो किस तरीके से इफ़ेक्ट करेगी। सेम वही प्रोसेस रहेगा, जो हमारी प्लेट्स हैं उनको चार्ज कर दिया गया है जिससे इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई नॉट भी इंट्रोड्यूस हो रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इन दोनों चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो प्लेट P1 से P2 की तरफ है, लेकिन हमने जो ये हमने जो डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस इंट्रोड्यूस किया है वो इस चार्जिंग की वजह से जो है वो पोलराइज्ड हो जाएगा, यानी कि जो है इसके जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, और यहाँ पर भी एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो EP इंट्रोड्यूस होने वाला है, लेकिन EP का जो डायरेक्शन है वो E0 के डायरेक्शन से अपोजिट होता है। तो हम ये कहते हैं कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर होगा E0 माइनस EP, और जो E0 है उस वो होता है आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें हम अगर एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकालते हैं तो सिग्मा माइनस सिग्मा P आ जाएगा। सिग्मा P जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अभी हमें बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि जो एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन आर क्या है, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये बराबर होता है E0 अपॉन E, और E0 की वैल्यू हम जानते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन, दिस इज ई, और इससे जो है हम कैपिटल ई की वैल्यू निकाल सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर, और इसको हमने इक्वेशन 2 से जो इंडिकेट किया है। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करने वाले हैं, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास आता है सिग्मा माइनस सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इसमें हमारा एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं कि हम सिग्मा पी को उधर लेके जा रहे हैं, तो हमारा सिग्मा माइनस एप्सिलॉन आर इक्वल टू सिग्मा पी, सिग्मा पी अगेन सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। और यहाँ पर हमें एक चीज़ और समझनी है कि जो हमारा पोलराइजेशन वैक्टर होता है, पोलराइजेशन वैक्टर जो होता है उसको हम इंडिकेट करते हैं पी से, एंड दिस इज इक्वल टू काई ई। काई जो है वो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है, और मैथमेटिकली ये प्रूव किया गया है जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है वो इस इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो उससे हमारा काई ई इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। इसमें हमने सिग्मा कॉमन ले लिया 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, दिस इज सिग्मा माइनस एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने निकाली थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आ रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, और ये एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन आर कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, तो काई बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1, और ये रिलेशनशिप जो है हमको बताता है बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अगर सपोज़ हमने किसी भी पैरेलल प्लेट, यहाँ पर जो है हमने, अब हमें दूसरी कंडीशन लेनी है कि हमने वापस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कि जो स्पेस है इसको कम्प्लीटली डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस से फिल कर दिया है, तो उस कंडीशन में हमारा कैपेसिटेंस जो है उस पर क्या इफेक्ट आने वाला है। तो सेम फिगर और सेम डायग्राम हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने पूरी स्पेस को जो है वो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से कम्प्लीटली इसको फिल कर दिया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके बराबर होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। सिग्मा की वैल्यू जो होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो दिस इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इसको हमने इक्वेशन ए से डिनोट कर दिया,
और अगर हम इन दोनों प्लेट्स के बीच में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लग रहा है जिसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम वी से इंडिकेट कर रहे हैं तो वी बराबर होता है ई इंटू डी, और ई की वैल्यू हमने रखी क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरीके से हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपेसिटेंस जो होती है वो क्यू अपॉन वी होती है, वी की वैल्यू हमने जस्ट अभी कैलकुलेट करी थी, तो ये क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। और अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और ये किसके बराबर हो जाएगा सी नॉट के। सी नॉट का मतलब ये होता है द कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैलर प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर इज़ द ओनली मीडियम। तो और ये जो हमारी कैपेसिटेंस है जब हमने इसके उसको पूरा कम्प्लीटली जो है वो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से जब हमने इसको फिल कर दिया, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारी कैपेसिटेंस है व्हेन सो इट इज़ क्लियर दैट व्हेन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद द डायलेक्ट्रिक मीडियम द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, देन द कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज्ड बाय के टाइम्स। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारा पैलर प्लेट कैपेसिटेंस को अगर हम पार्शली फिल्ड कर देते हैं डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस से तो उसकी कैपेसिटेंस पे किस तरीके का इफेक्ट पड़ने वाला है।